तो स्वागत है। मैंने खोल लिया रामघाट पे दुकान, आप आ सकते हैं। सस्ता सामान यहाँ से अच्छा आपको कहीं नहीं मिले। और ये गंगा जल की जेसीबी, और यू उत्तर प्रदेश में तो जेसीबी काफ़ी फेमस है, यहाँ पर काफ़ी सस्ते रेटों में मिल जाएगी। और चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं रामघाट की और क्या नज़ारे हमें। चलिए दोस्तों, नाव की सवारी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और भाई कितने रुपए सवारी है? 50 रुपये सवारी है। 50 रुपये सवारी, बढ़िया। और इधर आप देखेंगे ये घाट है रामघाट, इधर का ये नज़ारा। पानी का बहाव काफ़ी तेज है, बिल्कुल अंदर नहीं जाने दे रहे, बहने का डर है। फिर भी कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत बात है। मतलब बढ़िया चल रहा है? कितने आ जाते हैं ना आपने लगभग? 1500। बढ़िया, सबसे अच्छा सीजन ये होता होगा सावन का। कावड़ के टाइम पे होता है। और समथिंग कितने लोग आ जाते हैं दिन के अंदर? ज्यादा नाम है नहीं आपके यहाँ? घाट पर ऐसे आ रहा 5000-10000। 5000-10000 पर डे? पर डे। और चलो अच्छा है भाई, 10000 के समथिंग बता रहे भाई। 5000 से 3000 तो अभी आते हैं। और ये तो महाशिवरात्रि पे ज्यादा भीड़ होती है आप सावन? वहाँ पे सब ज्यादा महाशिवरात्रि पे बड़ा होता है। अच्छा, इसलिए महाशिवरात्रि पे तो कहीं पे भी जगह ना मिले। आंटी जी चाय बना रही है हमारे लिए, स्पेशल चाय गंगा किनारे की। आप सब देख सकते हैं इधर गंगा मैया, इधर आंटी जी चाय का निर्माण करते हुए भविष्य में ये प्रधानमंत्री भी बन सकते। मनोज चाय उठा भाई। टिंकू भाई साहब यहाँ के जो स्थानीय निवासी और कुछ जानकारी रखते हैं रामघाट के बारे में, जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आप हमको हम आपको बता सकते हैं कि जहाँ पे हमारे बलराम जी थे, वो एक हरदगोंद के पास एक राक्षस को मार के आए थे, वो यहाँ पे आके गंगा पार हुए थे, तब इनका इस जगह का गाँव रामघाट पड़ा था। उनकी हमारे यहाँ पर स्थापना है, बरखंडी सुन का मंदिर है। आप थोड़ा सा यहाँ से 100-150 मीटर नीचे जाओगे तो बरखंडी सुन का मंदिर, महादेव जी के आदि शिवलिंग, उनकी स्थापना आदि में। और दो घाट महत्वपूर्ण घाटों में से एक है, घाट तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घाट रामघाट का यही है। उसके बाद में जो कावर का महत्व है, यादव रामघाट से ली थी, आप हरिद्वार जाए। अच्छा, हरिद्वार दो जगह का कावर का महत्व है, बाकी बात आप जानते ही है। हाँ। कहीं भी नहा लीजिए उससे कोई मतलब। हाँ, ये महत्वपूर्ण। और पूर्णिमा का जो नहाने गुरु पूर्णिमा है, और कतकी का हमारे यहाँ मेला आता है बहुत बड़ा। अच्छा, या तो यहाँ होता है या अनुसर होता है या होता है गढ़। अच्छा, जिनका महत्व है मेला होगा मैं आपको। और जो सबसे बड़ा मेला है हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का, महाशिवरात्रि। हाँ, वही है भोलेनाथ कावड़ है, जो सावन का महीना से आप मुझे बताए 2 साल से इतना अच्छा हो रहा है कि उसी की टक्कर का मेला हो रहा है 2 साल से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भाई साहब। और ये बारिश देख सकते हैं, पूरा सिस्टम खराब हो चुका है यहाँ पे। ये चैन के नीचे और ये गंगा मैया, ये पूरी हालत खराब। यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुखी इंसान